सो क्लास एज यू नो, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इक्वेशंस ऑफ फंक्शन है उनकी डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा दो फॉर्मूलों की नीड होगी। फर्स्ट फॉर्मूला इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा जो आपका रिलेशन है वो वेलोसिटी का है, दैट इज वीएस ओवर डीटी। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करनी होती है तो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस रिलेशन, क्योंकि उसमें इस रिलेशन में कहीं भी एस नहीं आ रहा है। देन सेकेंड फ्रॉम दिस, थर्ड अगेन इसी फॉर्मूले से होती है, और फोर्थ फिर से यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जब ड्राइव करना है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि नाउ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये भी इसका डेरिवेशन है, ये कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज व्हाट, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो हमें इसको ड्राइव करना है, तो सबसे पहले ड्राइव करने के लिए ये आपको हेडिंग लिख देना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग जो है वो किस रिलेशन से हो रही है, तो इसकी डेरिवेशन में आप लिखेंगे वी नोट। तो सबसे पहले वी राइट दिस रिलेशन, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी डेरिवेशंस है, मतलब जो सारी की सारी जो ऑल फोर इक्वेशंस ऑफ मोशन है सबका तरीका सेम है, स्टेप्स जो है वो ऑलमोस्ट सभी के सेम है। तो जो जैसा आप एक में यूज करेंगे मेथड वही सब में यूज होगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये नोट करना है ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका दिस, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। ओके, और ये स्टेप लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाउ इफ डी इज रिटन इन मल्टीप्लीकेशन, अगर डी अपॉन में डी टी लिखा है तो उसका मतलब डिफ्रेंसिएशन है, और अगर ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा है इसका मतलब दिस विल बी द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके बाद जो स्टेप आएगा उसमें क्या करना है, उसमें आपको इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपने लिखा है इंटीग्रेटिंग अबव रिलेशन, इंटीग्रेटिंग अबव रिलेशन। और इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है लिमिट्स उसी की यूज होती है। ओके, तो जैसे कि लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, राइट साइड में अगर आप देखें तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। तो टाइम और वेलोसिटी की लिमिट्स ही पुट करनी है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लिमिट्स को पुट करना। तो आपको लाइन जो कंप्लीट लिखनी है वो है इंटीग्रेटिंग अबव रिलेशन विद इन द लिमिट्स, विद इन द लिमिट्स। तो लिमिट्स क्या पुट करेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर टाइम की लिमिट, तो लिमिट का मतलब इनिशियल और फाइनल। तो जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी को आप टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इनिशियली टाइम कितना था, तो मान लीजिए इनिशियली टाइम जीरो था, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी, और जब टाइम हो जाता है टी तो वेलोसिटी बिकम्स फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। जब टाइम जीरो था तो वी की वैल्यू यू है, और जब टाइम टी है तो वी की वैल्यू वी है। तो लिमिट्स किसके लिखनी होती है, वही टर्म्स जो यहाँ पर लिखे गए। ठीक है, तो अब आपको एक तो इंटीग्रेट करना है, दूसरी ये वाली लिमिट्स पुट करनी है। मान लीजिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी अगर आ रहा होता तो आप डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स भी पुट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आपको पता है कि ये तो कांस्टेंट है ए, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं आ रहा, इसके साथ में टाइम है तो हम उसी पर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं डी टी। लिमिट्स क्या पुट करनी है आपको, जीरो टू टी। इसी तरह से इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर डी वी, और यहाँ लिमिट्स क्या आएंगी, यू टू वी, इनिशियल टू फाइनल। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है। अब आपको करना है इसके बाद में इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जहां पर वेरिएबल नहीं होता है वहां पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर है
डीटी लिखा है, टाइम का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन टाइम की कोई पावर ही नहीं आ रही है, तो वहां पर इसका मतलब क्या कंसिडर कर सकते हैं, टाइम की पावर जीरो। ओके, तो यहाँ टाइम की पावर जीरो है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है पावर जो है वो इस तरह से चेंज हो जाती है, मतलब जहाँ टाइम जीरो है वहां पर टाइम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक्चुअली तो यहाँ पर टाइम की पावर जीरो है, इस वजह से टी आएगा इंटीग्रेशन होने के बाद में, लेकिन नॉर्मली क्या बोला जाता है कि डी टी का जो इंटीग्रेशन है वो टी होगा, मतलब जो भी क्वांटिटीज डी के साथ में लिखी हैं जब इंटीग्रेट होता है तो वो क्वांटिटीज एज इट इज आ जाती है, जैसे डी टी का इंटीग्रेशन टी, डी वी का इंटीग्रेशन वी, डी एस का इंटीग्रेशन एस, तो इस तरह से याद रखना थोड़ा आसान होता है, इसलिए नॉर्मली ऐसे बोला जाता है, अदरवाइज पावर जीरो जो है वो वन में कन्वर्ट हो जाती है इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग। तो डी टी तो उसका इंटीग्रेशन होकर के आ जाता है टी। अब लिमिट्स हम जो है वो नेक्स्ट वाले स्टेप में पुट करेंगे, तो हमने यहाँ लिखकर छोड़ दिया जीरो टू टी। इसी तरह से यहाँ पर हमारा लिखा है डी वी, तो डी वी का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा वी, लिमिट्स आपने पुट की यहाँ पर यू टू वी। ओके, तो इस तरह से दोनों साइड में अब हमने क्या कर लिया है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें लिमिट्स पुट करनी है, तो हमने यहाँ पर ए और अपर लिमिट पहले लगाई माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा टी माइनस जीरो। ऐसे हमने इस साइड में अपर लिमिट, तो अपर लिमिट का मतलब एक बार वी के प्लेस पे भी आएगा, जैसे आपने जो है क्वेश्चंस में किया था, तो वी माइनस पर ये क्या हो जाएगा यू। ओके, फिर अब स्टेप्स को सिंप्लीफाई कर देना है, क्योंकि जिस फॉर्म में इक्वेशन लिखी होती है उसी में कन्वर्ट कर दें, तो ये आपका हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या फिर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपका डेरिवेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड मींस व्हाट, स्टार्ट करा था डिफरेंशिएशन वाले स्टेप से और इंटीग्रेशन की हेल्प से, नाउ वी केम टू दिस स्टेप, ये है डेरिवेशन। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रही हूँ, याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन लिखना है फर्स्ट इक्वेशन में, एक्सेलरेशन लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई की इस फॉर्म में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपने जब मल्टीप्लाई में डी आ जाएगा तो आपको लेना है लिमिट्स और इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका होगा, वही जो डी के साथ में लिखा है, लिमिट्स किसकी लेनी है, लिमिट्स भी उसी की लेनी है। लिमिट्स लिखते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा पहले टाइम आएगा, बाद में जो भी अदर क्वांटिटी है वो आएगी, तो यहाँ पर पहले टाइम, भले टाइम अगर इस साइड ना भी लिखा होता तो हम पहले टाइम लिखते, क्योंकि आपको पता है कि टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो सबसे पहले टाइम ही लिखा जाना है। तो व्हेन टाइम इज जीरो देन वेलोसिटी इज यू, और जब टाइम टी हो जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी। अब आपने यहाँ पर जो है इंटीग्रेट कर लिया, तो ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन दोनों साइड आ गया और दोनों साइड आपने लिमिट्स पुट कर दी। फिर इसको जब इंटीग्रेट किया है तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट्स 0 टू t, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स u टू v। उसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करनी है अपर माइनस लोअर ऑन बोथ द साइड्स, और सिंपलीफाई किया, नाउ वी केम टू द रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। अब हमें स्टार्ट करना है सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से, और जैसे जैसे आगे डेरिवेशंस बढ़ेंगे तो आपको याद होगा ग्राफिकल मेथड में भी आपने ऐसे ही किया था कि इन इक्वेशंस का जो प्रीवियस वैल्यू है उनका भी यूज होगा, तो जहां पर v की वैल्यू रिक्वायर्ड है देयर वी कैन पुट u प्लस at। ओके, तो चलिए इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, या फिर आप नोट कर सकते हैं इसको, या आपका फर्स्ट जो डेरिवेशन है दैट इज कंप्लीटेड, देन आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब आपको स्टार्ट करना है सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। तो चलिए आई एम राइटिंग हियर डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है तो उसको भी हेडिंग में आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ड्राइव करने के लिए कौन से फॉर्मूले से स्टार्ट करना है ये भी आपको पता है, तो फॉर्मूला है आपका वी नो वी इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। ओके, तो इस फॉर्मूले से आपको स्टार्ट करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
So now it will be in this form v dt is equal to ds. अब आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप प्रैक्टिस करेंगे चारों इक्वेशंस की तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो डेरिवेशंस एक जैसे होते हैं को याद रखना आसान होता है. तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दिस वन. फिर मैंने आपको ये बताया कि अब क्या होगा. अब जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ रहा है टाइम और राइट में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इधर टाइम का इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट्स आएंगी, उस साइड में डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन होगा और उसकी लिमिट्स आएंगी. तो करना ये है कि ये जो v आ रहा है इस v की भी वैल्यू पुट करनी है आपको. कहाँ से पुट करनी है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. तो v की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? u प्लस at. ओके, तो बस ये ध्यान रखिएगा. नाउ इट विल बी u प्लस at dt इज इक्वल टू ds. इतना चेंज और है. और इसके आगे आप लिख देंगे ये कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से इतना चेंज आया है. अब आपको क्या करना है? अब वही करना है जो आपका अभी पहले स्टेप था. क्या करना है आपको? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स. तो अब फिर से आप वही लाइन लिख देंगे यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन. इसको करना है इंटीग्रेट. और कौन सी लिमिट्स में करना है? तो विद इन द लिमिट्स. लिमिट्स कौन सी यूज करना है आपको? तो यहाँ टाइम की और यहाँ डिस्प्लेसमेंट की. विद इन द लिमिट्स, तो लिमिट्स हैं आपकी व्हेन. सबसे पहले जब टाइम जीरो, तब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो. ओके, और जब आपका टाइम हो जाता है टी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एस. यहां पर आपको इस तरीके से ड्राइव करना है. ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा आपका, और ये टर्म है आपका यू प्लस ए टी डी टी, और लिमिट्स यहाँ किसकी आएंगी? टाइम की आएंगी, क्योंकि जो डी के साथ में लिखा है. और इस साइड में आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है. प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा कि कैसे स्टेप्स है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं सोचना है. जो डी के साथ में लिखा है आपको उसी की लिमिट्स लगानी है, उसी को इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो अब क्या करना है? यहाँ दो टर्म्स आ रहे हैं, वहां तो सिंगल है ds है, उसका इंटीग्रेशन s हो जाना है. यहाँ दो टर्म्स आ रहे हैं तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन दोनों के साथ में, जैसा आप न्यूमेरिकल में करते थे. तो सबसे पहले आपने किया जीरो टू t, ठीक है, और u के साथ में मल्टीप्लाई हो गई dt प्लस. ऐसे ये वाले टर्म की मल्टीप्लाई होगी तो जीरो टू t ये बन जाएगा आपका ए टी डी टी, और इस साइड तो ये आ ही रहा है जीरो टू एस डी एस. ओके, ये आपके थ्री टर्म्स बन जाते हैं. अब आपको करना है इंटीग्रेट. तो u यहाँ पर आउटसाइड आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन जैसा पहले किया था t जीरो टू t, यहाँ a कॉन्स्टेंट है और यहाँ ऑलरेडी t आ रहा है. यहाँ तो देखिए t आ ही रहा था, डी टी को t कर दिया था, यहाँ t की पावर 1 ऑलरेडी आ रही है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स जो है वो 0 टू t. इस साइड में ds का इंटीग्रेशन है, सो लिमिट्स 0 टू s. ओके, अब ये यहाँ मैं इरेज करके और आगे के स्टेप्स नोट कर दे रही हूँ. हाउ टू ड्राइव इट, सो लुक हियर. इस स्टेप के बाद में, यहाँ के बाद में क्या होना है? तो अब यहाँ के बाद में लिमिट्स अप्लाई करनी है. तो डी टी, ये जो t लिखा है इसमें अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस a बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर t स्क्वायर माइनस 0, और राइट साइड में हो जाएगा s माइनस 0. ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस साइड में क्या आएगा? एस. ओके, तो दिस इज यू टी, दिस इज हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज एस. आप इसको क्या कर लेंगे? आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिस फॉर्म में ये लिखा होता है उसी फॉर्म में लिख लेंगे. तो ये हो जाएगा आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, तो ये जो है आपका डेरिवेशन था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. जैसा कि मैंने बताया था आपको कि स्टेप्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप बहुत आसानी से इससे जो है वो ड्राइव कर सकते.
अब उसके बाद आपकी बचती हैं टू इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद है आपका ग्राफ वाला पोर्शन जो आपने नाइन्थ में स्टडी किया था। तो बाकी के टू इक्वेशंस ऑफ मोशन में डेरिवेशन आपका आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो आपको पता है थर्ड दोबारा से कहां से स्टार्ट होनी है, तो वही रिलेशन है आपका ए वाला, तो वी नो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी। लेकिन अगर ऐसे ही ड्राइव करते गए क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सेम, तो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी, इसका मतलब कुछ चेंज करना है। दूसरी बात, थर्ड इक्वेशन में तो एस आता है, इसमें एस आ नहीं रहा है, तो कुछ किसी तरीके से एस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना होगा। कैसे कराएंगे, देखिए इसी रिलेशन में काम ये किया है कि डीएस से मल्टीप्लाई और डीएस से डिवाइड कर दिया ताकि इसमें एस इंट्रोड्यूस हो जाए। ऐसा करने के बाद क्या होता है, ऐसा करने के बाद में ए इज इक्वल टू ये जो है आपका डीवी अपॉन डीएस, इसको आपने सेपरेट कर दिया, और ये जो ds अपॉन dt इतना था, ds अपॉन dt ये क्या होता है, ds अपॉन dt v है, तो dv अपॉन ds को सेपरेट करके ds अपॉन dt जो था इसको चेंज करके v कर दिया। अब यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका a ds इज इक्वल टू v dv। हमेशा t वाला टर्म लास्ट में आता है, तो v को पहले कर दिया, dv को बाद में कर दिया। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, ये था इसमें ds से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ds अपॉन dt को v बना दिया, बाकी जो बचा है वो ऐसे लिख दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की v पहले कर दिया। ओके, अब आपको यहां से फैमिली तरीका यूज करना है, इंटीग्रेशन करना है, यहां से इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद इन द लिमिट्स। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करना है, कौन सी लिमिट्स के अंडर करना है, तो इधर ऐसे इधर भी है, लेकिन दोनों में टाइम नहीं है, आपको पता है टाइम फंडामेंटल है, बिना टाइम के कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती, तो टाइम को लिखना ही पड़ेगा भले ही दे रखा है या नहीं। तो जब टाइम जीरो था तो एस जीरो होगा और वी कितना होगा यू, तो भले ही टाइम नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ पर टाइम को लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब टाइम टी है तो s कितना हो जाता है s, और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये लिमिट्स हैं, इनको यहाँ पर पुट करेंगे, तो a आउटसाइड ले लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ds है, इसकी लिमिट्स 0 टू s, और यहाँ पर क्योंकि v का v के साथ में है तो दोनों को ही इनसाइड लिखना है, v dv और लिमिट्स इसकी 0 टू v। ओके, अब इस साइड में नोट कर दे रही हूँ। तो नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा, आप स्टेप सारे जो है वो ध्यान से पहले समझ लीजिए, बाद में आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ऐसा ना हो कि आप अगर नोट करने में लग जाते हैं तो डिस्टर्ब रहेगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ये लाइन तो यही लिख दे रही हूँ, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लिमिट्स 0 टू s, इधर v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2 होगा और लिमिट्स u टू v। अब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में s माइनस 0 क्योंकि अपर माइनस लोअर हो जाना है, और राइट में आप 1 अपॉन 2 जो है वो आउटसाइड ले लेंगे, और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सिंपलीफाई करेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो दिस विल बी 2as, और यहाँ क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो ये आपका डेरिवेशन है थर्ड इक्वेशन का। अब बस एक फोर्थ इक्वेशन रह गई है, बिकॉज नाउ टाइम इज लेस, अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो फिनिश नहीं हो पाएगा, इसलिए फोर्थ इक्वेशन जो है इज जस्ट लाइक थर्ड इक्वेशन, बिल्कुल थर्ड इक्वेशन जैसी है वो, मैं भी थोड़ा नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करूंगी, आपको जो है वो पहले थ्री इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेन थ्री यही है, फोर्थ वाली जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती लेकिन फिर भी आ जाती है, और फोर्थ जो है वो सेकेंड इक्वेशन का ही एक टाइप है, सेकेंड इक्वेशन की एक स्पेशल फॉर्म है, और मैंने बताया भी था आपको कि फोर्थ इक्वेशन यानी कि ये जो होती है एस एम यू प्लस ए अपॉन टू और ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस 1, तो ये किस लिए यूज होती है फोर्थ इक्वेशन,
तो आपको बताया कि इसको यूज करने का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर सेकंड पे, जैसे पूरी गर्मी जो है 15 सेकंड्स की है, तो फिफ्थ सेकंड पे या सिक्स सेकंड पे कितनी डिस्टेंस कवर होगी, उसके लिए इसको यूज करते हैं। तो चलिए आप थ्री इक्वेशंस की प्रैक्टिस करिएगा एंड दिस इज कंप्लीट रिटन वर्क, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से फोर्थ। ओके, थैंक यू।